भारत ने कोरोना की वैक्सीन लगभग तैयार कर ली है। पटना एम्स में आज कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जा सकता है। इस वैक्सीन का 3 फेज में ट्रायल होगा। वैक्सीन के ट्रायल के लिए देश के 12 संस्थानों को चुना गया है, जिसमें से एक पटना एम्स है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने इस वैक्सीन को बनाया है। उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट को देखते हुए SDRF ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में विभाग ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश से हाई टाइड का खतरा भी बना हुआ है। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है। कई इलाकों में लोगों के घरों तक पानी भर गया है। गुजरात में भारी बारिश से राज्य की नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। सौराष्ट्र के पोरबंदर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और अमरेली जिले के साथ साथ दक्षिण गुजरात के वलसाड और नवसारी जिलों में भी पिछले 3 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। अगले 48 घंटों में जोरदार बारिश की संभावना है। बारिश से लोगों को उमस से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अभी 3-4 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। रुक रुक कर हल्की बारिश होती रहेगी, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी। आखिर भारत का दबाव काम आया और ड्रैगन के गलवान घाटी के तनाव वाले इलाके से अपने सैनिकों को 2 किलोमीटर पीछे हटा लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रविवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात की थी, जिसके बाद चीनी सेना ने पीछे हटने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज से नई गाइडलाइन लागू कर दी है। इसके तहत दूसरे राज्यों से पंजाब आने वाले लोगों को राज्य सरकार के पोर्टल या फिर कोवा ऐप पर खुद को रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। यूपी में 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद में आज सुनवाई होगी। याचिका में भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार किए जाने की बात कही गई है। याचिका में इस भर्ती को निरस्त करने और इसकी CBI जांच कराने की मांग की गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। माई के फैन सोशल मीडिया पर देर रात से ही उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। विंडीज के ऑलराउंडर डेविन ब्रावो भी उनको स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर जारी हो गया है। ट्रेलर काफी भावुक है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म को मुकेश छाबड़ा ने निर्देशित किया है। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।